और फिर इसके बाद जैसा, और आप चूंकि प्रभारी मंत्री, आपके हाथ में सारी जवाबदारी और जिम्मेवारी, हमारे को देखना ये पूरा। मैं इसमें आदरणीय मंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा, सभी क्राइसिस मैनेजमेंट, माननीय मंत्री जी, क्राइसिस मैनेजमेंट के सभी सम्मानित सदस्य और हमारे प्रशासनिक टीम, कलेक्टर महोदय और जो भी प्रशासनिक लोग जुड़े हैं, सभी सम्मानित सदस्य, माननीय मंत्री जी आपको और क्राइसिस मैनेजमेंट के वहां पे सम्मानित साथियों को प्रशासन के साथ तालमेल करके करना है। आपको ये लगता है कि मेला लगाना है तो उसकी व्यवस्था भी अपन सबको ही बनानी होगी, और नहीं लगाना है तो भी व्यवस्था हम सबको सामूहिक रूप से करनी है, उस क्षेत्र के हित में, लोगों की भावनाओं के अनुरूप और लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए क्या निर्णय उचित होना है तो वहां के लोगों से सलाह कर ले। मैं जो सलाह करने के बाद आप लोगों का जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ ही, पर जो भी लाइन तय हो वो एक बार कड़ाई के साथ पालन हो जाए कि अगर मेला लगेगा तो इन शर्तों पे लगेगा। फिर क्या होता है कि उन शर्तों पे लगता है, फिर हमारी में ऐसे कुछ लोग जो है ना कहते नहीं भैया मेरी तो गाड़ी यहां तक जाएगी या मेरा मैं ऐसे जाऊंगा, तो जो भी प्रारूप है आप सबकी वहां के लोकल लोग हैं मिलकर तय कर लें, जिला प्रशासन और सरकार अपन सब उनके साथ खड़े, ये मेरा आग्रह है। जी जी, क्या कि भाई साहब आपको जानकारी है कि वास्तव में बहुत बड़ा मेला लगता है और दो साल से लगा नहीं है, तो इस साल ऐसा लग रहा है कि हो सकता है और जनता ज्यादा आए, क्योंकि लोग बहुत, मैं कोई मन्नत बोलते हैं, मन्नत मांगते हैं तो फिर वो राय कराने के लिए बोलते हैं, दर्शन के लिए, तो दो साल से आ नहीं पाए, तो इस साल लग रहा है कि ज्यादा पब्लिक आ सकती है, पर उस हिसाब से वही आज मीटिंग बुलाने का कारण यही था कि सबसे चर्चा कर ले और फिर एक बार अपन सारे अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर लेंगे व्यवस्था के बारे में अपन को कैसा। ठीक है जी जी भाई, तो आप तय करो, मैं आपके साथ जुड़ा हूं। जी जी जी, और कोई आपके सुझाव हो